हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके लिए फर्स्ट वीडियो है ये मेरी, जो रीजनिंग के लिए, जो लड़कों के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम है और उनके कमेंट भी आते हैं कि कथन और निष्कर्ष, ये इससे रिलेटेड जो काफ़ी सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं उनके लिए एक वीडियो होनी चाहिए। और मैं ऐसी करीब 5 से 6 वीडियो आपके लिए डालूंगा जिसमें करीब आप कि जो मोस्टली जो क्वेश्चन है जो आप मिस्टेक करके आते हो या गलत करके आते हो वो क्वेश्चन गलत ना हो। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि मुझे यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। और ये आपको प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प आपको ज़रूर करनी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। इसके लिए दो पूर्व धारणाएं दे रखी हैं, उनको हमें पढ़ना है। देखते हैं कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखो, पहली पूर्व धारणा क्या कह रही है कि प्रभावित लोगों के रिश्तेदारों उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। कि जो कैंडिडेट अगर बीमार हो गए तो क्या उनके जो रिलेटिव हैं वो उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। तो ये वाला जो आपका पूर्व धारणा है वो क्या है, गलत है बिल्कुल। दूसरा क्या कह रहा है, निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। तो ये वाला सही है, क्योंकि हमें अगर कोई कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो उसे सबसे पहले निकटवर्ती अस्पताल में ले जाना चाहिए, जिससे कि वो प्रभावित या बीमार लोगों का उपचार कर सके। तो इसमें कौन सी अवधारणा निहित है, सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। क्लियर सभी को? क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और सभी यूनिटों को अबाधित, यानी कि जिसमें कोई बाधा नहीं हो, पावर सप्लाई का वचन दिया है। गवर्नमेंट ने नई जो स्कीम चलाई है कि हम उनके लिए अबाधित पावर सप्लाई देंगे, जो नए जो एक तरीके से कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके लिए जो पूर्व धारणाएं दे रखी हैं उनको देखते हैं एक बार। पहला कह रहा है, सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे जो यूनिट है उन सभी को यूनिटों को पावर सप्लाई कर पाएगी। इसका देखने से पहले एक बार सेकंड वाला अवधारणा और देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सरकार के इस निर्माण का स्वागत करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो निवासी हैं वो इस अवधारणा का बिल्कुल स्वागत करेंगे। और दूसरे पहले वाले में क्या कहा था, सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पावर सप्लाई कर पाएगी, ये भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई स्कीम चलाती है तो उसे पूरा करने के लिए ही चलाती है, यानी कि उसके लिए वो उसकी जो डिमांड होती है उसे कर पाने के लिए ही बाध्य होती है। तो इसमें जो दोनों ही अवधारणाएँ वो नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम नीचे किस पर क्लिक करेंगे, इसमें पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर निहित हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड पर देखो, क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, मुख्य त्यौहार के दिन नगर पालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया। केवल कब रोका है, जब मुख्य त्यौहार है उस दिन रोका है, ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द रोका है, यानी कि आसपास में रोका है या और अंदर रोका है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनकी वजह से ही हम जो आंसर है वो गलत टिक कर देते हैं। इसमें पूर्व धारणाओं को देखते हैं क्या कह रहा है। पहली पूर्व धारणा है, फर्स्ट में कहा है कि मुख्य त्यौहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे। तो मुख्य त्यौहार है तो डेफिनेट है दोनों जो भक्तगण हैं वो बहुत बड़ी संख्या में मंदिर आएंगे। अगला क्या कह रहा है, मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दें। देखो, मंदिर के आसपास के जो लोग हैं वो एक दिन के लिए अपनी अगर कोई काम जरूरी नहीं है तो अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो केवल कौन सी अवधारणा सही है, फर्स्ट वाली सही है, और ये अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दें। लेकिन क्या मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग,
तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अत्यंत आवश्यक काम नहीं है तो वो अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। जो यहाँ पे थोड़ी सी ये वाला जो है, इसको जो अवधारणा है, इसको ये क्या करता है, गलत करता है, क्योंकि कोई आदमी को काम हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता, लेकिन वो अपने काम रोकेगा नहीं। उसको हो सकता है वो दूसरे रास्ते से आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो उसके लिए एक मंदिर के लिए बोला था, उसमें यही बोला था कि वो उस निजी क्षेत्र और मंदिर के अंदर के लिए यातायात को रोक रहा है, यानी कि मंदिर के अंदर आने जाने वाले लोगों को रोक रहा है, वहाँ पर यातायात उनको पूरे इलाके का बंद नहीं कर रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर निहित है। क्वेश्चन फोर्थ देखो क्या कह रहा है, सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के अनुदेश दिए। यानी गवर्नमेंट जब कोई अनुदेश देती है तो उसे पालना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट का कोई आदेश है तो उसके लिए पालना होनी चाहिए। अब इसकी पूर्व धारणाओं को देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। पहली पूर्व धारणा में कहा गया है, प्राइवेट स्कूलों के प्राधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वे सरकार की नीतियों पर निर्भर नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो आदेश होते हैं उनकी पालना सबको करनी होती है, और इसमें क्या कहा गया है कि वो पालना नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाता है। अगला है, शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। जब अगर गवर्नमेंट फीस को कम करने का प्रयास करेगी तो वो उससे ज़्यादा फीस देने के लिए क्यों होंगे, तो ये वाला भी क्या है, गलत है, क्योंकि कोई भी ज़्यादा फीस देना नहीं चाहता। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो दोनों ही पूर्व धारणाएं जो हैं वो अंतर्निहित नहीं है, ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट और ना ही पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। इसमें ये गोला हो रहा है, ये गलत है। इसमें जो राइट आंसर होगा कि इसमें कोई सी भी अवधारणा जो है वो सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं, देखो, नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, अब इसके लिए पूर्व धारणाएं क्या दे रखी हैं, ट्रैफिक विभाग वैकल्पिक मार्गों से वाहनों के आवागमन का विपथन करेगा, यानी कि जो ट्रैफिक विभाग है वो एक नए रास्ते के द्वारा या वैकल्पिक, यानी कि जो अलग से जो ऑप्शन हो सकता है उस रूट के लिए जाने के लिए, उससे आवागमन का विपथन करेगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अगर एक रोड खराब हो जाता है तो दूसरा वैकल्पिक मार्ग ही अपनाया जाता है। दूसरा, निकटवर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग प्राधिकरण के निर्णय में विरोध में प्रदर्शन करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल बंद, हमेशा के लिए बंद नहीं किया, कुछ समय के लिए उस पर जो मरम्मत या नए सिरे से उसे बनवाना है उसके लिए रोका है, तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें कौन सी अवधारणा निहित है, केवल फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट निहित है। एक बार मेरा उन सभी बंदों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनको अगर मेरी ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो का लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसमें अगर कोई कमी हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, जिससे कि आगे की वीडियो में वो सॉल्व हो जाए। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सिक्स है, मोहन ने अपनी माता को करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया है, कथन दे रखा है। अब उसके बाद इसकी पूर्व धारणाएं देखते हैं, पूर्व धारणाएं में क्या कहा गया है। हो सकता है मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आए, पहली जो पूर्व धारणा है उसमें क्या कहा गया, मोहन के जो अधिकतर दोस्त हैं वो उसके जन्मदिन पर उसके घर आए, तो बिल्कुल अगर उसने इनवाइट किया है तो उसके अधिकतर दोस्त आ सकते हैं, तो ये सही है। मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। देखो इसको आप एक को बार, मैं उसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ, सेकंड को अच्छे ढंग से आप समझ जाओ, जैसे कि यहाँ उसमें कहा गया कि करीब 30 लोगों के लिए, मतलब उसका अंदाजा है कि लगभग 30 लोग आ सकते हैं। तो इसमें आगे जब हम देखते हैं तो सेकंड जो अवधारणा है उसमें क्या गया है कि
कि पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि उसमें उसने पहले ही कहा है कि करीब 30 लोग, यानी कि लगभग 30 लोग। तो ये दोनों ही अवधारणाएं क्या होंगी, सही होंगी। तो इसमें हम जो क्लिक करेंगे वो कौन से ऑप्शन पर करेंगे, ई ऑप्शन। पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या हैं, अंतर्निहित हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी छात्रों ने आवेदन किया। अब इसकी पूर्व धारणाएं क्या दे रखी हैं, हो सकता है सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। पहली अवधारणा में क्या कहा गया है, सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। ये गलत है, क्योंकि सब आवेदन कर रहे हैं तो सभी को तो अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पहले ही बोला है प्रोफेशनल कॉलेज है। अगला है, हो सकता है प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित होगी, क्योंकि ये वाला जो उसने ट्रैक है वो सभी जो आवेदक हैं उनके लिए उचित होगा, क्योंकि प्रसिद्ध कॉलेज ने ये स्कीम चलाई है और इसमें जो अच्छे होंगे या एक मेरिट लिस्ट स्टूडेंट होंगे वो इसके लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें जो सेकंड वाला जो आपकी पूर्व धारणा है वो क्या होगी, सही होगी। तो हम किस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी पर, पूर्व धारणा सेकंड अंतर निहित है। क्वेश्चन 8, इसमें क्या कहा गया है, शहर में विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। राज्य प्रशासन ने क्या लगा दी, रोक लगा दी। और जब रोक लगाई जाए या कोई आदेश दिया जाए तो उसकी पालना जरूर होनी चाहिए। गवर्नमेंट के अगर ऑर्डर हो या कोई चीज़ पर रोक लगाया है, निषेध किया है, तो उस पर जरूर उसका पालन होना चाहिए। ये अवश्य आप नोट कर लो। इसके लिए पूर्व धारणाओं में क्या कहा गया है, हो सकता है विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचें। बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या कर रखा है, मना कर रखा है। फिर कह रहा है, हो सकता है बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्चाधिकारियों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हों। देखो, इसमें ये बहुत से लोग कहा गया है ना, इस वजह से ये गलत हो गया है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के नियमों की पालना नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग कहा गया है, इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो पूर्व धारणा होगा वो क्या होगा, सही होगा। अगर ये होता, हो सकता है कुछ लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें, तो ये सही हो जाता। क्लियर। तो इसमें हम जो टिक करेंगे वो किस पर करेंगे, आठवें में, जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। क्वेश्चन 9, इसमें कहा गया है, राज्य के दो बड़े शहरों को जोड़ने वाले सुपर हाईवे का प्रयोग करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए 100 रुपये का टोल टैक्स लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। ये कोई दो बड़ी सिटी हैं, एक ए है एक बी है, और इसको जोड़ने के लिए, अब देखो दो बड़े शहर हैं तो वाहन तो यहाँ पे ज़्यादा चलेंगे, आवागमन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और प्रत्येक पर कितने रुपए का टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, 100 रुपये का टोल टैक्स लगाया है। अब इसकी पूर्व धारणाओं को देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, हो सकता है इन दो शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिसंख्य वाहन सुपर हाईवे का प्रयोग ना करें। अरे, बड़े शहर हैं, उनके बीच में अगर कोई टोल टैक्स आ रहा है तो उसको तो वो देते हुए जाएंगे, और इन दोनों क्या कहा गया, इन दो शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिसंख्य वाहन सुपर हाईवे का प्रयोग ना करें। जब बड़े शहर की बात आ रही है और सुपर हाईवे का वो प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि हम हमेशा बड़े शहर को जो जोड़ने वाले हाईवे होते हैं उनका प्रयोग हमेशा करते हैं। क्लियर। दूसरा, हो सकता है सरकार टोल टैक्स के संग्रह से सुपर हाईवे बनाने पर आयात लागत को वसूल ना कर पाए। देखो, जब दो शहरों को अगर कोई जोड़ रहा है, रोड हाईवे जोड़ रहा है, और उसके लिए, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ आपको, ये दो शहर हैं और इनको जोड़ रहा है कोई हाईवे, यहाँ पे कोई है टोल टैक्स, तो इसके संग्रह जो होगा टोल टैक्स का जो कलेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों कैसे शहर हैं, बहुत बड़े शहर हैं। क्लियर। तो इसमें तो कहा गया है कि सेकंड वाले में, कि सरकार टोल टैक्स के संग्रह से सुपर हाईवे बनाने पर आयात लागत को वसूल ना कर पाए, तो ये भी क्या है, गलत है। और पहले वाला तो गलत ही था, क्योंकि वो उसमें क्या कहा गया था कि वो हाईवे का प्रयोग ना करें, तो गलत। और इसमें क्या कहा गया कि वो
टोल टैक्स को वसूल ना कर पाएं। तो ये दोनों ही अवधारणाएं क्या होंगी, गलत होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कि ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट सही है और ना ही पूर्व धारणा सेकंड सही है। क्वेश्चन 10, वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ डिग्री कॉलेजों के सभी अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। देखो ये आपको कथन दे रखा है और इसके जो पूर्व धारणाएं हैं उनको मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। पहली पूर्व धारणाएं, हो सकता है सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को निलंबित कर दे। दूसरा है, हो सकता है सरकार कॉलेज अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर दे। ये दो पूर्व धारणाएं, और इसके जो राइट आंसर है वो आपको मुझे आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और इसका जो मैं राइट आंसर है वो अगली वीडियो में बिल्कुल आपको पहले इसका बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अभी इसमें चैनल पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक इसमें डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका जो रेलवे CV2 सेकंड की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, RPF की कर रहे हैं, SSC GD की कर रहे हैं, उनके लिए इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस तरह से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं। तो हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आदि पर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।